हेलो फ्रेंड्स, मैं योगिता सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी स्टडी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है कि हमें ऑनलाइन स्टडी करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो इससे हमें ही प्रॉब्लम होगी, इसमें किसी और का लॉस नहीं है, इसमें हमारा ही लॉस है। ठीक है, तो सबसे पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो जानने से पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं इससे हमें लॉस क्या हो सकता है, क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं होगा इससे नुकसान क्या है तो हम क्यों फॉलो करेंगे। हम नॉर्मल एज यूजुअल जैसे करते हैं वही रूल फॉलो करेंगे, राइट? तो सबसे पहले जानते हैं कि हमें नुकसान क्या होगा। सबसे पहला पॉइंट, आपकी ये जो ब्यूटीफुल आइज जो गॉड ने दिया है इस पर बिग बिग ग्लासेस लग जाएंगे, ठीक है। सेकेंड थिंग, आपको हेडेक प्रॉब्लम होगी। थर्ड, गले में दर्द, ठीक है। फोर्थ, पीठ में दर्द, कमर में दर्द, बैठने में दिक्कत। और फिफ्थ, आपका जो बॉडी का पोस्चर है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा होगा क्यों ये भी मैं बता रही हूँ। चलिए अब देखते हैं कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप कभी भी फ़ोन पे जब भी स्टडी कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो आपको फ़ोन कम से कम 1 फीट की दूरी पर रखना, रखे ऐसे पढ़ाई करना है, ठीक है। ऐसा नहीं ऐसे झुक के या फिर लेट के सो के ऐसे आपको स्टडी नहीं करना है, कम से कम 1 फीट की दूरी पे आपको अपना फ़ोन रखना है अपने आई से, ठीक है। और सेकंड थिंग, आप चेयर पे या स्टूल पे किसी में भी बैठ के स्टडी करेंगे, बिल्कुल भी लेट के नहीं पढ़ेंगे कहीं भी, या कहीं भी ऐसे आराम से नहीं। आपका जो बैकबोन है, आपका जो पोस्चर है बॉडी का, वो स्ट्रेट होना चाहिए, आपकी पीठ सीधी होनी चाहिए, ठीक है। आपको झुक के नहीं पढ़ना है। अगर आप मोबाइल में भी देख रहे हो तो आपका जो पोस्चर है वो स्ट्रेट होना चाहिए, आपको ऐसे झुक के फ़ोन नहीं देखना है, क्योंकि अगर आप झुक के देखोगे तो आपकी बॉडी का पोस्चर खराब होगा, प्लस आपके पीठ में दर्द, कमर में दर्द, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको आएंगी, ठीक है। और अगर आप टीवी पे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो उसकी जो स्क्रीन है वो आपके आइज़ के ठीक सामने होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा नीचे हो या बहुत ज़्यादा ऊपर हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो आपके आँखों के सामने होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अगर आप लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, कहीं पे भी स्टडी कर रहे हो, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हो, तो भी आप चेयर या स्टूल का यूज़ करोगे। ऐसा नहीं है कि लैपटॉप अपने पैर पे रख लिया या फिर लैपटॉप बेड पे रख लिया, आराम से सो के देख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। कैसे यूज़ करोगे, इसलिए मैंने आप लोग को लाइव रख रखा है, ठीक है। आप स्टूल पे या चेयर पे बैठ के आपका ये जो पीठ का है, आपका जो पोस्चर, वो ऐसे स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। और आपको सामने ऐसे लैपटॉप रख के सीधे ऐसे देखना है, आपको ऐसे झुक के उस पर सो के इस टाइप से स्टडी नहीं करनी है, ठीक है। आपका जो बॉडी का पोस्चर है वो बिल्कुल भी डाउन नहीं, शोल्डर आपका डाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, इनसे ये सारी चीज़ें देखिए बहुत छोटी सी बात है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है कहीं ना कहीं, लेकिन हम इसे फॉलो नहीं करते। इसे फॉलो नहीं करने पे आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन छोटी छोटी चीज़ों का आप लोग ख्याल रखो और अपना हेल्थ भी सही रखो, ठीक है। और ऑनलाइन स्टडी करने से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, स्कूल नहीं खुल रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी करना, आप लोग फ़ोन भी लेते हो तो आप या तो गेम खेलने लगते हो या फिर कुछ और यूट्यूब पे देखने लगते हो। फ्रेंड्स, आपकी स्टडी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप गेम खेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, यूट्यूब पे कुछ और भी देखना देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टडी करने के बाद, ठीक है। अगर आपकी क्लासेस आधे घंटे की है, 30 मिनट की है, 45 मिनट की है, आप 20 मिनट क्लास देख रहे हो, ठीक है, उसके बाद आप कुछ टाइम वॉक कर लो 2 मिनट। ऐसा नहीं है कि वॉक करने एक घंटे के लिए निकल जाए, ठीक है, 2 मिनट के लिए वॉक कर लो, 1 मिनट आप 2 मिनट खड़े हो जाओ, ठीक है। ऐसे आपको स्टडी करना है। आपको ज़्यादा, आप एक क्लास अटेंड करते हैं आधे घंटे, 1 घंटे की क्लास होती है, इससे ज़्यादा लंबी आप क्लास अटेंड नहीं करते हैं, तो उतना टाइम अगर आप बैठ के आराम से, जैसे मैंने बताया, आप अपने बॉडी का पोस्चर सही रख के आप पढ़ोगे, तो सबसे बड़ी बात, आप जो भी क्लास देख रहे हो आपको समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है। आप ये चीज़ नोटिस करिएगा कि कभी भी अगर आप ऐसे आलस में या जैसे तैसे अगर आप क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो आप उतना टाइम भी वेस्ट, आपका टाइम भी उतना वेस्ट हो रहा है। आप आधे घंटे बर्बाद कर रहे हो, उतने अच्छे से आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, बस सर चल रही है, क्लासेस चल रही हैं, 10-20% आपको समझ में आया, बाकी चीज़ें गायब, ठीक है। तो अपने जो आप टाइम दे रहे हो तो उसको प्रॉपर दो, ठीक है, जितना टाइम दो उसको ठीक से दो, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए, ठीक है। और फ्रेंड्स, मैं अपने YouTube चैनल पे आप लोगों को साइंस और कंप्यूटर की क्लास 1 से लेके 8 तक साइंस और कंप्यूटर की पूरी जो सिलेबस है आपका मैं कवर कराऊंगी, ठीक है। आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कहीं इधर उधर भटकने की भी ज़रूरत नहीं है, आप लोग बस चैनल पे बने रहिए, आप लोगों को पूरी क्लासेस, और संडे को आप लोग के लिए स्टोरी भी लेके आऊँगी, जिसमें आपके लिए ढेर सारा मोटिवेशन होगा, क्योंकि लाइफ में सिर्फ स्टडी है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ में आप लोग को
कुछ बेसिक चीज़ें भी पता होनी चाहिए कि लाइफ में हमारा बिहेवियर कैसा है, मैनर तौर तरीके, ये सारी चीज़ें भी जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, स्टोरी आपका एंटरटेन भी होगा और साथ में आप लोग को नॉलेज भी मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग चैनल को लगातार विजिट करते रहिएगा। और प्लीज़ आप लोग को ऑनलाइन क्लासेस से फ़ायदा ही है, आपको घर से बाहर कोई भी मानसिक प्रॉब्लम नहीं हो, कोई अपना अलग से टाइम नहीं निकालना है, आप अपना सारा काम भी टाइम से कर रहे हो, आप पढ़ाई भी कर रहे हो, तो आपको टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। स्कूल जब ओपन होंगे तो स्कूल जाएंगे, स्कूल जब तक ओपन नहीं हो रहा है तब तक घर पर आराम से पढ़ाई करें। और पढ़ाई बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करनी है, बिग नो नो नो, ठीक है, स्टॉप बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप पढ़ाई स्टॉप कर दोगे तो पिछले 6 to 7 months से आप ऑलरेडी नहीं पढ़ाए, आप कैसे पढ़ रहे हो आपको पता है। ठीक है, आप लोगों को भी पता है आप कितनी लापरवाही कर रहे हो, तो आपके दिमाग से जो सारी चीज़ें आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ी वो सब भी गायब हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें आपका नुकसान है ना, टीचर का नुकसान है ना, किसी और का नुकसान है। ठीक है, तो दिन भर में अगर आप 1 घंटे 2 घंटे आप अगर पढ़ाई कर लेते हो तो इससे आपका जो सिलेबस है वो भी कवर होगा, साथ में आपको नॉलेज भी बढ़ेगी। ठीक है, और बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, खुश रहिए, अच्छे से स्टडी करिए, घर पे बैठ के आराम से स्टडी करना है, टेंशन किस बात की है। ठीक है, और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसको ध्यान में रखिए। ठीक है, और डेली एक्सरसाइज आपको डेली करनी है। अगर आपको कुछ नहीं करने आता है तो आप रनिंग कर लो, जंपिंग कर लो, ठीक है, लेकिन करना है, वॉक कर लो आधे घंटे, ईयरफोन लगाओ से सॉन्ग कोई भी प्ले कर लो, आप डांसिंग कर लो। ठीक है, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी है जिससे आपकी बॉडी हेल्दी रहे। फ्रेंड्स देखिए, अगर आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी तभी आपकी स्टडी अच्छी होगी, सारी चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी। ठीक है, अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है, आपको कोई भी हेल्थ इशू आया तो आपकी स्टडी भी अच्छी नहीं होगी और बहुत सारा लॉस होगा, और सिर्फ आपका होगा, इसमें किसी और का कोई लॉस नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इन सारी बातों को आप ध्यान में रखिएगा और पढ़ाई करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, और चैनल पे विजिट करते रहिए। ठीक है, और एक सब्सक्राइब तो बनता है, आप लोग विजिट करते हो चैनल के सब्सक्राइब नहीं करते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय।